बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू अपान वाई माइनस एक्स माइनस फोर ऑन द डिमांड ऑफ प्रियांशी गौतम। सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को देखें, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर डिग्री कांस्टेंट टर्म में 0 है, तो एक जैसे नहीं है। तो इस ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं हम, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक डिग्री का है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और फिर इसके बाद इसका एक प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, होमोजीनियस का वो सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करना होगा। होमोजीनियस में इसको बदलने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पर और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हम मानते हैं एक कैपिटल एक्स प्लस एच के बराबर है, यानी हम कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं। वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के, और बाद में इसकी वैल्यू को वापस एक्स और वाई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पुट करना होगी, वापस करना होगी, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में वैल्यू दे रखी है। यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन करके प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल बना लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगी तो वापस ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स क्या रखना होगा, आपको मालूम ही है कैपिटल डी वाई ओवर कैप डी एक्स ही रखना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर फाइंड करके भी दिखा दे रहे हैं। वाई की जो वैल्यू है कैपिटल वाई प्लस के है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस एच है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने लेट किया माना था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो वाई का डिफरेंशिएशन जो कि वेरिएबल है डी वाई हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी डी एक्स प्लस का जीरो हो जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, इतनी वैल्यू ले ली तो लिख ये इसमें एक्स वाई की वैल्यू इतनी हमने लेट की तो ये वैल्यू मिली हमको, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा हमारा इस तरीके से, कैपिटल डी वाई डी वाई डी कैपिटल वाई अपान डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो कि कैपिटल एक्स प्लस एच है, और प्लस वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के, और यहाँ पर माइनस का 2 होल अपान में कैपिटल वाई है, और इसमें कैपिटल सॉरी वाई है, वाई की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें पुट करना है कैपिटल वाई प्लस के, और इसके बाद में माइनस का साइन है, और कैपिटल एक्स प्लस एच स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दी माइनस का 4 है। अब इसमें हम वेरिएबल वालों को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड लिख देंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस वाई, और जो वेरिएबल है उनको एक साइड कर देंगे, यानी एच प्लस का के एच प्लस के माइनस का 2। और इसी तरीके डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे कि कैपिटल वाई माइनस एक्स, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस एक्स मिला और यहाँ पर के है वो माइनस का एच मिलेगा यहाँ पर, और माइनस का 4 है, इसको अलग कर दिया कांस्टेंट को, वेरिएबल को अलग कर दिया। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और इसमें हम इस तरीके से एच ओ के की वैल्यू पुट करेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाए, और इसमें 1 डिग्री हो तो ये वैल्यू 0 होने चाहिए। तो हमें पहले से तो नहीं मालूम है कि एच और के की वैल्यू क्या पुट करें, तो हम इन वैल्यू को जब 0 के बराबर पुट करेंगे और उनको दो इक्वेशन तब हमें मिल जाएंगे, और उन इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एच और के की हमारी वैल्यू मिलेगी, जो अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो वो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में बन जाएगा। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम लोग आसानी से कर लेंगे, और जब सॉल्व हो जाएगा तो एच ओ के की वैल्यू को वापस रख दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें इक्वेशन नंबर 2 को होमोजीनियस बनाने के लिए ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देना है।
एच प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर थ्री डाल देंगे। एंड दूसरा के माइनस एच माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे इक्वेशन नंबर फोर डाल देंगे। और इन इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो प्लस एच माइनस एच कैंसिल हो जाएंगे, टू के मिलेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, तो ये माइनस का सिक्स राइट हैंड साइड में ज़ीरो जीरो ऐड होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो टू के की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, के की वैल्यू सिक्स अपान टू यानी थ्री आ जाएगी के की वैल्यू। और इक्वेशन नंबर वन या थ्री या फोर में पुट करके हम एच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर थ्री में हम पुट कर रहे हैं के की वैल्यू, तो वहाँ पर मिल रहा है एच प्लस के की यहाँ पर थ्री माइनस का टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर थ्री देख लीजिएगा। तो एच इन दोनों का डिफरेंस प्लस का वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एच की वैल्यू माइनस वन। इस तरीके से हमें यहाँ पर एच की वैल्यू माइनस वन मिल चुकी है और के की वैल्यू थ्री। ये हम बाद में जाके इसका यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और ये वैल्यू अगर हम ज़ीरो के बराबर पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर हमारा जो टू है वो रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पर देखिए ये वैल्यू जब ज़ीरो हो गई तो एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स, तो एक्स प्लस वाई अपान में वाई माइनस एक्स। ये अब इक्वेशन वन वन डिग्री का है, तो न्यूमरेटर में भी होमोजीनियस है और डिनोमिनेटर में भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होता है तो इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रोसीजर जानते हैं। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फाइव डाल सकते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ये पुट करेंगे। फुटिंग होमोजीनियस के लिए होता है y इज इक्वल टू, एक नया वेरिएबल v आ जाएगा, यानी अभी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब y का रोल v अदा करेगा और इसे y इज इक्वल टू वी एक्स माना जाएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा v होगा। अब तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी रखना होगी जो कि कैपिटल में है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी कैपिटल x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मानते हुए x को ऐसे रखेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं आपको मालूम ही है। और फर्स्ट इसी तरीके से आपकी v को ऐसे ही और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में वन हो गया। अब ये वैल्यू जो है पुट कर दी, दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फाइव में हम पुट कर देंगे, यानी वाई की वैल्यू ये और डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डी वाई ओ डी एक्स है उसकी वैल्यू तो ये लिख दी जाएगी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इंटू वन वी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई है, वाई की वैल्यू वी एक्स है और वाई वाई की वैल्यू वी एक्स है, माइनस एक्स है तो माइनस का एक्स कर दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग वी और एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, यानी वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। न्यूमरेटर में एक्स को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा सब्स्टिट्यूशन है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से में बदल देगा कि ये हम वेरिएबल सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो शुरुआती हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। तो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वी माइनस का वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स कैंसिल हो जाएगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी चल रहा है, और हम इस v को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी ओवर वी माइनस वन माइनस वी, वन वन कर लें और एलसीएम ले लेंगे v माइनस वन, तो इस वन का इधर इंटू होगा तो वन प्लस वी हो जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा v में v माइनस वन, और ब्रैकेट जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो वन प्लस वी, इस माइनस वी का दोनों टर्म्स में इंटू होगा तो v इंटू वी वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाता है v अपान में v माइनस वन, और ये सबसे बड़ी पावर वी स्क्वायर है जो कि माइनस का है, और ये टू टाइम्स हो जाएंगे v प्लस का वन है अपान में वी माइनस वन है, और ये वैल्यू चल रही है एक्स डी वी ओवर डी एक्स के बराबर, जैसे कि शुरू में बोला था हमने अभी कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल को और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वी वाले टर्म को हम डी वी के साथ में ले जाएं और एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ दें, बस ध्यान रहे कि डी वी और डी एक्स न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो ये वी माइनस वन अपान में हो जाएगा ये माइनस का वी स्क्वायर प्लस का टू वी प्लस का वन, और राइट हैंड साइड में हम जब लेगा तो डी एक्स और एक्स का अपान में आ जाएगा। और यहाँ पर शुरुआत में माइनस लगा हुआ है, इसको हटा सकते हैं अगर चाहें तो, ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें, हम पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी चाहें ये डी वी रहेगा लिखने को,
इसको लिख दें और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर में, तो v माइनस वन यानी हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में जो माइनस वन से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो v इसका माइनस टू वी माइनस वन, और राइट हैंड साइड में करेंगे माइनस का डी एक्स अपन माइनस एक्स होगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ये माइनस से मल्टीप्लाई करना कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो हमें ये समझना थोड़ा आसान होगा कि इसे क्योंकि अब इंटीग्रेट करना है तो इसे टी मानने पर ये डी टी हमें नज़र आ रहा है, इसलिए ऐसा हमने किया है, नहीं तो हमें माइनस का मान लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे को टी मान लेते हैं यानी लैट कर लेते हैं कि पहले इंटीग्रेट कर दें। ऑन इंटीग्रेशन जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में वी माइनस वन डी वी अपान वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन, राइट हैंड साइड में भी ऐसा करेंगे माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे वन अपान एक्स डी एक्स ये बचा हुआ हमारा, तो इस पूरे को यानी हमने मान लिया वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन को अगर टी मानते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा टू वी, और वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वी, और इसी तरीके से यहाँ पर माइनस है टू बाहर ले लें और वी का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वी वन जो कि कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, इन दोनों में से डी वी को हम राइट हैंड साइड में और टू को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो आपको मालूम है इंटीग्रेशन के अंदर हमें न्यूमरेटर में नज़र आ रही है, तो टू से डिवाइड कर दें बस पूरा वी माइनस वन डी वी हमारे पास मौजूद है तो वन अप यहाँ पर वन इंटू मान सकते हैं वन बाई टू डी टी हो जाएगा, तो इस वैल्यू को वन बाई टू डी टी रख देंगे और इसको हमने टी माना है जो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में एज इट लिखा रहने देंगे। अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन वन बाई टू डी टी अपान टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी लास्ट का जो इक्वेशन था उसमें, और इसके बाद वन बाई टू जो कि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से हमने बाहर ले लिया तो वन अपान टी बचा जिसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ही वन अपान एक्स बचा जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हम लोग जानते हैं वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, ऐसे ही वन अपान एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, लेकिन अब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी हम ऐड करेंगे तो लॉग की फार्म में सब आ रहे हैं तो उसको भी लॉग की फार्म में ऐड कर दिया, लॉग सी डैश कर देते हैं, फिलहाल आप सी भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस पावर को हम इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वन बाई टू तो इसको पावर में ले जा सकते हैं, लॉग का फार्मूला आप लोग जानते हैं टी की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू और लॉग दो हों तो प्लस वाले लॉग को जो है आप रखते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं सीधे, और जो माइनस में है लॉग उसे डिनोमिनेटर में ले जाएँ, दोनों तरफ के एक लॉग को हटा सकते हैं, अब दोनों साइड में लॉग एंटी लॉग लेने पर हमें मिलेगा टी की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू सी डैश अपान एक्स मिलेगा, यानी वन और एक्स को अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू उसे वन बाई टू को हम स्क्वायर रूट भी लगा के लिख सकते हैं सी डैश, दोनों साइड स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट के टी आ जाएगा और राइट हैंड साइड में सी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू मानी थी उसकी वैल्यू को हम लोग वापस कर देंगे, टी की जो भी वैल्यू हमने मानी थी टी वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन इजिकल टू इसे एक नया कांस्टेंट सी डैश स्क्वायर को सी मान लिया, यानी हमने लैट कर लिया लैटिंग सी डैश स्क्वायर को हमने सी कर दिया, कॉन्स्टेंट को आप किसी फार्म में मान सकते हैं रहने दे सकते हैं, इसको सीधा सी रहने दे सकते थे सी मान सकते थे शुरू में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वी की वैल्यू वापस करें क्योंकि हम लोग हमेशा इस तरीके से होमोजीनियस वाली प्रॉब्लम में वी की वैल्यू को वाई अपान रख सकते हैं क्योंकि हमने माना होता है इसको वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू फाइंड करें तो वाई के अपान में चला जाएगा एक्स तो वी की वैल्यू आ जाएगी वाई अपान एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्योंकि हमें वापस करनी होती है अपनी तरफ से जो भी वैल्यू पुट करते हैं, वाई अपान एक्स उसका स्क्वायर था माइनस टू वाई अपान एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी होल अब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू वाई अपान एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर को तो ये तो कैंसिल होकर वाई स्क्वायर बचेगा माइनस एक पावर एक्स कैंसिल होगी एक पावर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस यहाँ वन अपान वन कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर का वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर ये अपान वाला कैंसिल, आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे
तो अब हमारे पास बचा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जो कैपिटल वाई और एक्स की वैल्यू है इसमें एक्स की फार्म में रख दीजिए क्योंकि ये अपनी तरफ से मानी हुई थी वैल्यू। अगर यहाँ से हम देखें कैपिटल एक्स की वैल्यू को फाइंड करें तो एच को हम स्मॉल एक्स के साइड में ले जाना पड़ेगा और माइनस हो जाएगा ये, तो कैपिटल एक्स यहाँ पर एक्स माइनस एच हो जाएगा। ऐसे कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस के हो जाएगी। इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट ही लिख दिया करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस इक्वेशन में लास्ट में जो हमको मिला था उसमें हम कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं जो कि वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर है टू टाइम्स, फिर एक्स माइनस एच और वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई माइनस के और माइनस एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एच इसका होल ऑफ स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में सी है। अब हम शुरुआत में जो एच ओके की वैल्यू फाइंड की थी उसको भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे। एच की वैल्यू थी माइनस का वन फाइंड की थी और के की वैल्यू थ्री फाइंड की थी, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारा इस तरीके से आ जाएगा वाई माइनस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर माइनस टू। जब माइनस वन रखेंगे माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा और वाई माइनस का थ्री माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का वन हो गया होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। आपका आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, हो सकता है कि आपका आंसर होल ऑफ स्क्वायर ओपन करें इनका आपस में इंटू करें कुछ टर्म प्लस माइनस हो के या जो भी है कोएफिशिएंट को कलेक्ट करके आंसर वैसे भी आ सकता है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।